जी टीवी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो कुमकुम भाग्य इन दिनों 20 साल का लीप ले चुका है, जहां पर कृष्णा कॉल और मुग्धा छापेकर को रिप्लेस कर अबरार काजी और रांची शर्मा को कास्ट किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्राची अरोरा को रिप्लेस कर पूर्वी का मेन लीड प्ले करने वाली एक्ट्रेस रांची शर्मा की लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे। जो शो में प्राची और प्रज्ञा की क्वालिटीज के साथ एंट्री ले चुकी है, तो ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा स्पेशल। प्लीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूं। रांची शर्मा का जन्म 14 फरवरी को इंदौर मध्य प्रदेश के एक हिंदू मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उनके पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और उनका एक छोटा भाई भी है। रांची ने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन इंदौर के एक प्राइवेट स्कूल से करी और मार्केटिंग में अपना ग्रेजुएशन करा। रांची यदि आज एक एक्ट्रेस न होती तो शायद वो किसी कंपनी में जॉब कर रही होती या फिर अपनी पीजी कम्प्लीट कर रही होती, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनकी फैमिली को लगा कि रांची फ्यूचर में एक इंजीनियर बनने वाली है, पर जैसे जैसे रांची मैच्योर होती गई वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ बढ़ता चला गया और सिर्फ 17 साल की एज से ही उन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत करी, जिसकी फर्स्ट पेमेंट 500 रुपीस मिली थी। रांची बहुत ही फन लविंग, इमोशनल और थोड़ी इंट्रोवर्ट गर्ल है, पर यदि वो किसी के साथ ओपन अप हो जाती है फिर वो उसके साथ बहुत मजाक मस्ती करने लगती है। उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपनी फैमिली को ये कन्विंस करने में लग गया कि वो इंडस्ट्री में करियर बनाने वाली है, बिकॉज वो खुद श्योर नहीं थी कि वो इस फील्ड में सक्सेस हो पाएगी या नहीं, इसलिए उन्होंने कहीं थिएटर भी ज्वाइन नहीं किया। हालांकि उनका मन बहुत था, पर अपने स्टडीज की वजह से वो ये कर नहीं पाई और ग्रेजुएशन खत्म हो जाने के बाद उन्होंने इंदौर से ही ऑडिशन देना शुरू किया। जब उनके पेरेंट्स ने उनका पैशन देखा तो उन्हें अपनी फैमिली का भी सपोर्ट मिला और उनके फादर ने बहुत मुश्किल से रांची को मुंबई शिफ्ट करने का अरेंजमेंट करा। रांची कहती है कि उनका कॉन्फिडेंस ही उनका स्ट्रेंथ है, वो जब भी कभी लो फील करती है तो उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस ही उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करता है। खैर, रांची ने अपने करियर की शुरुआत स्टार भारत के शो वो तो है बेला से करा, जहां उन्होंने राशि का कैरेक्टर प्ले किया था और ये उनका डेब्यू शो था। फिर वो बैरिस्टर बाबू सीजन 2 में दुर्गा के किरदार में नजर आई, जहां उनकी एक्टिंग को सभी ने काफी नोटिस किया और मेकर्स ने उन्हें काफी अप्रिसिएट भी किया। फिलहाल वो अभी जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर और टीआरपी में हाई होने वाला शो कुमकुम भाग्य में मेन लीड के लिए कास्ट हो चुकी है और अब रांची शर्मा पूर्वी के कैरेक्टर में देखी जा रही है, जिसके ऑपोजिट अबरार काजी जो की एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वहीं रांची एक टीचर का रोल प्ले कर रही है। रांची ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि वो बहुत लकी है कि उनको इतना बड़ा शो मिला और उन्हें लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया और शो की टीम भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि उन्हें उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है, पर कहीं ना कहीं वो थोड़ी नर्वस भी है कि फैंस ने पहले के कास्ट को जितना प्यार दिया है वो इस बार उन्हें मिलेगा कि नहीं और जितनी एक्सपेक्टेशन फैंस को उनसे है वो फुलफिल कर पाएगी या नहीं। वेल, इस बार शो की स्टोरी बहुत शानदार होने वाली है और इसमें रांची अपना बेस्ट दे रही है। अब देखना ये है कि प्रज्ञा और प्राची के बाद क्या पूर्वी व्यूअर्स के बीच अपनी इमेज क्रिएट कर पाती है या नहीं और शो में उनकी एक्टिंग को कितना पसंद किया जाने वाला है। वैसे आपको ये शो कैसा लगता है और इसमें आपका फेवरेट स्टार कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की लाइफ जर्नी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हमारे साथ हमारी फैमिली से कनेक्ट जरूर रहें।